ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम इस ड्यूरासेल को आग के अंदर डाल देंगे। यानी कि कभी भी आपने शायद कुछ इस तरह की एक कोई सेल ड्यूरासेल का या फिर किसी भी और सेल को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आपने कभी ना कभी एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि यहाँ पर लिखा होता है कि डू नॉट कनेक्ट इम्प्रॉपरली चार्ज और डिस्पोज ऑफ इन फायर, बैटरी में एक्सप्लोड और लीक। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि डिस्पोज ऑफ इन फायर, यानी कि हमें इसको जो बैटरी है हमें इसको कभी भी आग के अंदर नहीं डालना चाहिए, इससे बैटरी या तो फट सकती है या फिर लीक कर सकती है। तो यही जानने के लिए कि एग्जैक्टली अगर हम इसको आग के अंदर डालते हैं बैटरी को तो क्या होता है, चलिए पता लगाते हैं। तो इस ड्यूरासेल को आग लगाने के लिए, यानी कि हमें इसको आग के अंदर डालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ड्यूरासेल की माचिस, पेट्रोल और कुछ लकड़ियाँ, क्योंकि हम इन्हीं लकड़ियों को जलाने वाले हैं और हम इन लकड़ियों को जलाने के बाद इन लकड़ियों के अंदर कुछ इस तरह से ड्यूरासेल रख देंगे और फिर देखेंगे, क्योंकि हमें इस ड्यूरासेल को फायर के अंदर यानी कि आग के अंदर डिस्पोज करना है, यानी कि आग के अंदर डालना, ना कि ड्यूरासेल को आग लगानी है। इसलिए आग लगाना पहले ज़रूरी है, हम डायरेक्टली ड्यूरासेल को आग नहीं लगाएंगे, हम इसको आग के अंदर डालेंगे, तो इसलिए इन लकड़ियों को हम जलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यार आप देख सकते हो अभी अभी हमने इस बैटरी को, इस ड्यूरासेल को हमने आग के अंदर डालकर देखा था, लेकिन अभी इसके साथ कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक का जो रैपर लगा होता है वो भी पूरी तरह से जल चुका है, ये गर्म तो बहुत हो चुका है। चलिए एक बार फिर से हम इसको डायरेक्टली आग लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो एक बार फिर से मैंने अब ड्यूरासेल को फिर से हम जलाकर देखने वाले हैं कि क्या होता है। हालांकि मैंने फिर भी इसको डायरेक्टली आग लगाने की बजाय थोड़ी बहुत लकड़ियां इसके आसपास रखी ताकि आग ज़्यादा देर तक जलती रहे। राइट गाइस, तो 3, 2 and 1,
ऑलराइट गाइस, तो अभी भी हमारा ड्यूरासेल वैसे का वैसा ही है। हालांकि मैं शायद आप ये चीज़ कैमरे में नोटिस ना कर पाए, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस ज़रूर कर पा रहा हूँ, जो सेल हमारा पड़ा हुआ है वो थोड़ी बहुत स्पार्क्स उसमें से निकल रही हैं, यानी कि थोड़ी बहुत चिंगारियाँ निकल रही हैं। आप शायद देख ना पाए कैमरे में, लेकिन मैं इसे क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो जैसा हमने सोचा था कि शायद बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है, यानी कि फट सकती है या फिर लीक हो सकती है, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत स्पार्क्स इसमें से ज़रूर आ रही है। आप देख सकते हो थोड़ी बहुत स्पार्क शायद आप अब देख पा रहे हो कैमरे में, लेकिन जो बैटरी के आसपास जो आग है वो ज़्यादा अच्छे से लग रही है, और थोड़ी बहुत स्पार्क्स भी हम देख पा रहे हैं। आप देख सकते हो शायद, ये रहा हमारा वो ड्यूरासेल सेल। अब बैटरी ये आप देख सकते हो, इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमने इसको करीब 2 से 3 मिनट तक हमने इसको आग में रखा था। हमने इसको एक बार ही इसको फिर से डायरेक्टली भी आग लगाई थी, लेकिन अभी भी वैसे का वैसा ही। हालांकि जैसा मैंने सोचा था कि शायद बैटरी में एक्सप्लोजन होगा या फिर बैटरी फटेगी, बैटरी लीक होगी, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये बैटरी में थोड़े बहुत स्पार्क्स, यानी कि थोड़ी बहुत चिंगारियाँ जो जिसे हम कहते हैं, वो हमने देखने को ज़रूर मिली। हमें उस चीज़ को हमने नोटिस ज़रूर किया। आपने शायद कैमरे में ना देखा हो, लेकिन मैंने इसे ज़रूर देखा था। और तो और ये बैटरी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्म है। आप देख सकते हो बैटरी की हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो गाइस, बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।